वहां से है मेरी हिम्मत की इब्तिदा वल्ला, जो इंतहा है तेरी सब्र आजमाने की। ये दो लाइनें जो जोश मलिहाबादी के द्वारा लिखी गई हैं, इनसे इस वक्त पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ये कि हमें इस वक्त हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तभी आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको देखकर स्ट्रांग रहेंगे, और उसके साथ ही कि सब्र से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो इस वक्त पर ये कहना बहुत ही अजीब है, क्योंकि इतने सारे केसेस मेरे आसपास भी, इतने सारे लोग, इतने सारे केसेस हैं, और जब हमें ढेर सारे मैसेजेस आते हैं कि हमें प्लाज्मा चाहिए, हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, और हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं, उनकी मतलब नहीं हेल्प कर पाते, तो हमें बहुत अंदर से बुरा लगता है। बट द मेन पॉइंट इज़ कि इस वक्त पर हमसे जितना हो सके छोटा सा छोटा मदद, छोटी सी छोटी हेल्प करनी चाहिए। या फिर जो हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव ला रहे हैं जिससे द्वारा मतलब हेल्प किया जा रहा है, तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करना सीखें। और अगर आप किसी दूसरे की मदद नहीं कर सक रहे हैं तो अपने घर से शुरुआत कीजिए। स्पेशली अगर आप अपने फ्रेंड्स से दूर हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऑब्वियसली बहुत से लोग घर पर हैं, तो उन्हें छोड़िए मत, उनकी खैरियत लेते रहिए। मतलब कभी भी वीक में एक दो बार से कॉल करके पूछ लिया कीजिए कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। कम्युनिकेशन बनाए रखिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए और बाद में रिग्रेट करना अच्छा नहीं रहता। इसलिए बातचीत हमेशा रखिए, उससे उन्हें खुशी मिलेगी कि हाँ कोई है जो हमारा भी केयर करता है। अपने फैमिली से दूर है तो उनकी, तो उनका हेल्प करिए, मतलब उनसे बात करिए फ़ोन पर, उनके बारे में पूछिए, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है वो पूछिए, और अगर उनके पास है तो उनकी खिदमत करिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्हें याद रहेंगी, जिनकी उनके उन्हें ज़रूरत है। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप बस उनकी खिदमत करिए, जितना हो सके अपना टाइम उन्हें दीजिए, उनके साथ बिताइए वक्त। नेगेटिविटी अपने दिमाग में बहुत आएगी इस वक्त, बहुत ज़्यादा, जिनके पेरेंट्स या जिनकी फैमिली में बस कोरोना पॉजिटिव है और ज़्यादा आएगी, बट इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मुझे पता है कि अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें चल रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर बहुत सारे मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की कालाबाजारी हो रही है, बहुत लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, बट हम चाहकर भी अभी इस चीज़ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने इस लेवल पर हमें सोचना चाहिए कि हम जहाँ हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमसे ही हमारे आसपास के लोग भी मिलते जुलते हैं। तो घर पर क्या करना चाहिए, घर पर स्टीम लेना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, जितना हो सके अपना इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहिए। उसके साथ ही अपने लव्ड वंस, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ज़रा सा भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऑक्सीमीटर पे चेक करना चाहिए, और साथ ही साथ RT-PCR या रैपिड एंटीजन तो ज़रूर करवाना चाहिए। और हम एक बात है जो दोबारा बोलेंगे, वो ये कि अपने लेवल पे जितना हो सके अपने आसपास अपने लोगों की हेल्प करना सीखिए आप सब। और अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं तो प्लाज्मा डोनेट करना भी सीखिए और करिए। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आई होप आप सब खैरियत से रहें, और आप सब में से किसी के भी घर में कोई भी बुरी खबर ना आए, और वन लास्ट थिंग की हिम्मत ना हारें। हम यही चाहते हैं कि जो भी अभी वक्त चल रहा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और वापस से सब कुछ सही हो जाए। टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। अल्लाह हाफ़िज़।